क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग रहना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्बेंडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पे वो सालों से काम कर रही थी वो भी जल के बर्बाद हो गया। इसी पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्बेंडिसन ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैंने कितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था सारे जल के खत्म हो गए। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। ए मेंटली टफनेस इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानते हैं। एक पॉजिटिव एक अप्रोच सकता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होती है। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, ऐसे कुछ हैबिट्स होती है जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज के इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों के कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट से एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक लौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहता है कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उनके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते हैं, और तो और उसके तीखे और लंबे चोंच भी काफ़ी मोड़ जाते हैं, और उसके पंख उतने मोटे हो जाते हैं कि उड़न भरना भी मुश्किल हो जाते हैं। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, पहले या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल के ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ के चोटी पर जाके बैठ जाना होता है, और वहाँ उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकल के नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नए चोंच उगने का इंतजार करते हैं। जब नए चोंच उग जाते हैं तब उससे तीखी और मजबूत चोंचों से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देते हैं और फिर से एक नए पंजों के उगने का इंतजार करते हैं। जब उसके नोखीली सी पंजे वापस आ जाते हैं फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उठ पाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है एंड अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है, मतलब सर्वाइवल के लिए। और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भर चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढता है, पर एक लौता ईगल ऐसी पक्षी होते हैं जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखते हैं। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर के खुद को मजबूत बनाता है और चेंज से घबराता नहीं है। और दूसरी हैबिट से एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसे कब हुआ था जब आपको कोई ऐसे काम करना पड़ा हो जिसके वजह से आपके पूरे शेड्यूल आपके पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपनी बाकी इम्पोर्टेंस काम को अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर आपके सर ऐसे अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज माने उसके लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए हाँ बोलना है और किस काम के लिए ना, उसे किस कॉन्वर्सेशन के हिस्सा बनना है और किस कॉन्वर्सेशन के नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक मेंटली इंसान को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है, मतलब एक मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है। अब तीसरी हैबिट से पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर एंड पर्पस। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2070 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितनी गरीब फूदी थी और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसे डिशेस कितनी ज़्यादा पसंद थी, पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है, बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ के मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता है, चाहे वो सेक्रीफाइस पूरे एडिक्शन का हो, चाहे जंक फूड का हो और सोशल लाइफ का हो, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं आते हैं। थर्टी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क ऐसे आदमी है जो अपने हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं,
तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसिफिक के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और वो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दैट आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव एनफ कैपेबिलिटी टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो उनका यह थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतनी ही ओपन रेडी रहो। अब पांचवी हैबिट से सेल्फ लव। एक बार मैंने ऑफिस में एक लड़का देखा जिसका नाम था दिवा, जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस में अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज से कंप्लीट किया है पर अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू किए थे। फिर एज एज यूजल मेरे दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंस किया और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाला है, और वो गेस्ट बिजनेस की एक डायरेक्टर है। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। उसके बाद जब मैंने उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल कर रहा है और उसके शेड्यूल फुल पैक रहता है, पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करते। फॉर हिम डे स्टार्ट विद अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपके सेल्फ एस्टीम ओवरऑल आपके मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाते हैं, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। पर अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंड सेट कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।